subject environmental studies class 2 chapter 3 domestic animals lecture 1 subtopic food from animals and useful things from animals good morning everyone how are you all i hope you all are fine at your home so student today we will learn about the domestic animals and in this topic we will discuss about food from animals and useful things from animals. so let's begin chapter 3 domestic animals yani gharelu ya पालतू janwar okay so warm up guess my name. open page number 19 chapter 3 domestic animals. सबसे पहले हम करेंगे warm up guess my name आपने name guess करना है यहाँ पर आपको बताया गया है आपने बताना है कौन सा animal है नंबर वन आई हैव फोर लेग्स एंड अ हेरी टेल मेरे चार लेग्स हैं और एक पूँछ है जिस पर बाल हैं पीपल राइड ऑन माई बैक जो लोग हैं वो किस पर राइड करते हैं किस पर बैठते हैं बैक पर तो कौन सा एनिमल है जिसके चार पैर होते हैं और पूँछ हेरी होती है यानी पूँछ पर बाल होते हैं और लोग उसकी पीठ पर बैठते हैं कौन सा एनिमल है आई अ वेरी गुड आई एम आ कौन सा एनिमल हुआ हॉर्स एच ओ आर एस ई हॉर्स नंबर टू आई एम वेरी स्मार्ट एंड प्लेफुल मैं बहुत स्मार्ट हूँ प्लेफुल हूँ खेलता हूँ आई एम कैप बाई पुलिस फॉर स्पेशल टास्क स्पेशल टास्क के लिए पुलिस मेरा यूज करती है मैं मेरा यूज़ किया जाता है ऐसा यहाँ पर लिखा गया है आपको बताना है आई एम अ मैं कौन हूँ तो आपको बताना है कौन सा जानवर है ऐसा जो स्मार्ट होता है प्लेफुल होता है और पुलिस इसका यूज़ करती है स्पेशल टास्क में सो डॉग वेरी गुड डॉग का यूज़ करती है ओके सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर थ्री वी आर फेमिलियर विद एनिमल्स हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर होते हैं अच्छे से हम जानते हैं एनीमल्स के बारे में भी जानते हैं ओके सम एनिमल्स आर वेरी यूज़फुल टूअर्स कई ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बहुत यूज़फुल होते हैं हमारे लिए सो वी टैम दैम एट आर होम तो हम क्या करते हैं ऐसे एनिमल्स को टैम मतलब क्या करते हैं पालते हैं ओके okay, सभी के घर में आ, आप देख सकते हैं आपके घर में कई लोगों के घर में क्या होंगे एनिमल्स होंगे पैट्स होंगे तो वो पैट को हम क्या करते हैं पालते हैं कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं ठीक है वो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं हम उन्हें क्या करते हैं टैम मीन्स उसे उन एनिमल्स को पालते हैं अपने घरों में दीज एनिमल्स आर कॉल डोमेस्टिक एनिमल्स इन एनिमल्स को क्या कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स पालतू जानवर होते हैं ये ठीक है डोमेस्टिक एनिमल्स हेल्प इन मैनी वेज जो डोमेस्टिक पालतू जानवर होते हैं वो हमारी कई तरीके से मदद करते हैं ओके तो अब हम देखते हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स कैसे हेल्प करते हैं कुछ एनिमल्स होते हैं हमें फ़ूड देते हैं ठीक है तो अब हम वो पढ़ते हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स हमें कौन से फ़ूड मिलते हैं एनिमल्स से एनिमल्स गिव अस अ वैरायटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स एनिमल्स हमें कई तरह की वैरायटी देते हैं फूड की ठीक है कई फूड प्रोडक्ट देते हैं अलग अलग वैरायटी के सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीट हमें एनिमल्स से क्या मिलता है मीट ओके एनिमल्स गिव अस मीट एनिमल्स के देते हैं मीट ओके मीट गिव अस स्ट्रेंथ एंड एनर्जी मीट से हमें क्या मिलती है हमें स्ट्रेंथ मिलती है शक्ति या ताकत मिलती है और एनर्जी यानी ऊर्जा मिलती है ओके okay? कई लोग हैं जो मीट खाते हैं मीट से क्या मिलती है स्ट्रेंथ और एनर्जी स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति या ताकत और एनर्जी मीन्स ऊर्जा ओके okay. जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं हमें क्या मिलता है चिकन मीट फिश कई लोग खाते हैं मीट ये किससे मिलते हैं एनिमल्स से ओके okay. और क्या मिलता है एग्स एग्स भी हमें किन से मिलते हैं एनिमल्स से ओके हैंस गिव अस एग्स मुर्गियाँ क्या देती हैं अंडे देती हैं एग्स हेल्प टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी एग क्या करते हैं ग्रो करने में और हेल्दी रहने में हेल्प करते हैं ओके दे आर इट इन रॉ और यूज़ टू मेक केक्स एंड पेस्ट्रीज इन्हें रॉ यानी कच्चा भी यूज़ किया जाता है खाने खाया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है केक बनाने में या पेस्ट्री में बनाने में इनका यूज़ किया जाता है एग्स का ओके they can also be eaten boiled or in the form of omelets इनको boil करके भी खाया जाता है और कैसे खाया जाता है इनका ऑमलेट्स इनके बना के भी खाए जाते हैं किसके आग के पेस्ट्री क्या होती है पेस्ट्री अ मिक्सचर ऑफ बेट फ्लावर एंड वाटर और मिल्क ओके बेक करके ठीक है पेस्ट्री बनाई जाती है ओके तो पेस्ट्री में भी इनका यूज़ किया जाता है केक में यूज़ किया जाता है इसे कच्चा भी कई लोग खाते हैं रॉ खाते हैं ओके कोई बॉईल करके खाता है एग्स को और कोई ऑमलेट बना के खाता है ओके तो एग्स भी हमें एनिमल से मिलते हैं ऐसा फूड जो एनिमल से मिलता है वो क्या है मीट और एग्स और देखते हैं अब हम नाउ टर्न द पेज पेज नंबर ट्वेंटी मिल्क मिल्क भी हमें किससे मिलता है ये भी एनिमल से मिलता है एनिमल्स सच एज गोट बोफेलो एंड काव गिव अस मिल्क एनिमल्स कौन कौन से मिल्क देते हैं कोट बफेलो गाय भैंस और बकरी ये हमें क्या देते हैं मिल्क देते हैं ओके मिल्क मेक्स आवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रांग मिल्क जो पीते हैं उनकी बॉडी कैसी रहती है हेल्दी और स्ट्रांग रहती है इट इज़ यूज टू मेक अ वायटी ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स कई तरह के मिल्क प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं मिल्क से ओके जैसे चॉकलेट बनाने में यूज़ होता है चीज़ में कर्ड बटर आइसक्रीम्स में भी मिल्क का यूज़ किया जाता है तो कई तरह की वैरायटी बनाई जाती है मिल्क से ओके नाउ अब हम देखते हैं यूजफुल थिंग्स फ्रॉम एनिमल्स और क्या मिलती है हमने फूड पढ़ लिया अब हम देखते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें एनिमल्स से मिलती हैं फूड के अलावा यूजफुल थिंग्स फ्रॉम एनिमल्स यूजफुल चीज़ें एनिमल से जो मिलती हैं वो है वूल यानी ऊन ऊन भी हमें किससे मिलता है एनिमल से ओके वुलन क्लोथ्स वी वेयर इन विंटर्स आर मेड अप ऑफ वूल शीप गिव्स अस वूल वूल किससे मिलता है हमें शीप से ओके okay? भीड़ से हमें मिलता है वुलन क्लोथ्स हम जो विंटर में पहनते हैं वो किससे मिलता है हमें शीप से ठीक है शीप से क्या मिलता है ऊन ऊन से क्या बनाए जाते हैं विंटर के क्लोथ्स वुलन क्लोथ्स जो बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं शीप की वूल से शीप क्या देती है वूल वूल से क्या बनते हैं स्वेटर्स अब हम देखते हैं और क्या मिलता है सिल्क रेशम सिल्क क्या होता है रेशम सिल्क इज सॉफ्ट थ्रेड विच इज ऑपटेन फ्रॉम सिल्क वाम्स दे आर फाउंड ऑन मलवरी ट्री सिल्क रेशम होता है जो बहुत ही सॉफ्ट थ्रेड होती है और ये किससे मिलती है सिल्क वाम से ओके okay? सिल्क वम्स से हमें सिल्क मिलती है और दे आ फाउंड ऑन मलवरी ट्री सहतूत के पेड़ पर ये सिल्क वाम्स रहते हैं ओके तो सिल्क वाम से हमें क्या मिलता है सिल्क थ्रेड जिससे बनते हैं सिल्क के क्लोथ हनी हनी यानी शहद हनी इज़ अ स्वीट स्टिकी येल्लो लिक्वड विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाई हनी बीज दे स्टोर देयर हनी इन बीह हनी इज ऑल्सो यूज एज अडिसिन हनी यानी शहद शहद मीठा और चिपचिपा एक येल्लो लिक्वड होता है जो कौन बनाते हैं हनी भी इस मतमक्खियाँ बनाती हैं और कहाँ पर स्टोर करके रखती हैं ये अपने बीह यानी छत्ते पर ओके और हनी से दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं ओके हनी भी है ये बीह है और ये क्या है हनी नाउ अमेजिंग फैक्ट हनी इज़ वेरी इजी टू डाइजेस्ट हनी बहुत ही आसानी से पच जाता है अगर हम हनी खाते हैं ओके नी आसानी से पच जाता है नेक्स्ट इज लेदर लेदर भी हमें एनिमल्स से मिलता है अब हम देखते हैं लेदर वी गेट लेदर फ्राम सम एनिमल्स हमें लेदर कुछ एनिमल्स से मिलता है लेदर क्या होती है स्किन द स्किन ऑफ सर्टन डेड एनिमल्स इज मेड इन टू लेदर लेदर एनीमल्स जो मर चुके होते हैं डेड एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन से बनाया जाता है लेदर ओके दैदर इज़ वेरी कॉस्टली लैदर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है महंगा होता है एंड इट्ज़ यूज टू मेक अ वाइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इससे कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल बेल्ट शूज़ बैग्स एंड जैकेट ओके तो ये सभी किससे बनाई जाती है लेदर से ओके okay? लेदर किससे बनाया जाता है डेड एनिमल्स की स्किन से ओके इन नेक्स्ट लेक्चर वी लर्न अबाउट द एनिमल्स अस इन द फील्ड एनिमल्स एज beasts ऑफ बर्डन

Chapter number three here and day here. Then fill the date. Chapter name. Chapter name is Domestic Animals. Animals. Okay, then. वर्क, नेक्स्ट लाइन वर्ड मीनिंग वर्ड मीनिंग आज हम कर रहे हैं ओके okay. सो so, जो भी न्यू वर्ड्स हैं डिफिकल्ट हैं उनके हम मीनिंग करेंगे आज सो नंबर वन नंबर वन इज टेम आपको पता ही है पालना ठीक है नंबर वन इज स्ट्रेंथ एस टी आर ई एन जी टी एच स्ट्रेंथ यानी शक्ति या ताकत ओके okay. शक्ति या ताकत एस टी आर ई एन जी टी एच स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति या ताकत नंबर टू नंबर टू इज एनर्जी ई एन ई आर जी वाई एनर्जी मीन्स ऊर्जा एनर्जी मीन्स ऊर्जा ओके नंबर थ्री डोमेस्टिक यानी घरेलू या पालतू डोमेस्टिक यानी घरेलू घरेलू या पालतू ओके okay. नंबर फोर मलबरी 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 यानी शहतूत मलबरी यानी शहतूत ओके मलबरियानी शहतूत नंबर फाइव स्टिकी 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 चिप चिपा चिप चिपा स्टिकी मीन्स चिप चिपा ओके okay. सो so, आई रिपीट अगेन स्ट्रेंथ एस टी आर ई एन जी टी एच स्ट्रेंथ यानि शक्ति या ताकत नंबर टू एनर्जी ई एन ई आर जी वाई एनर्जी यानि ऊर्जा नंबर थ्री डोमेस्टिक डी ओ एम ई एस टी आई सी डोमेस्टिक यानी घरेलू या पालतू मुखें नंबर फोर मलबरी एम यू एल बी हतूत नंबर फाइव स्टिकी एस टी आई सी के वाई स्टिकी ऑफ चैप्टर थ्री नाउ अब क्या है आपको क्या करना है होमवर्क नाउ टू डेज होमवर्क डू पेज नंबर ट्वेंटी टू क्वेश्चन बी पेज नंबर ट्वेंटी टू क्वेश्चन बी क्वेश्चन बी इज कंप्लीट सेंटेंसेस बाय राइटिंग वर्ड्स फॉर पिक्चर क्लूज आपने पिक्चर के क्लूज लेने हैं और आपने क्या लिखना है वर्ड्स लिखने हैं. हैंड लेग्स क्या देते हैं क्या है ये आपने देख के लिखना है ऐसे ही नंबर टू बर्ड लिव्स इन दे आपने लिखना है पिक्चर देखनी है और यहाँ पर आपने लिखना है बर्ड रहती हैं कहाँ पर कहाँ रहती हैं वो बर्ड लिव्स इन दी कहाँ रहती हैं बर्ड्स बर्ड रहती हैं आप पिक्चर देखेंगे देन आप आंसर यहाँ पर लिखेंगे नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सी मैच द एनिमल विद इट्स प्रोडक्ट आपने एनिमल्स देखने हैं पिक्चर्स दिए हैं आपको आपने उनके प्रोडक्ट यानी उनसे जो भी चीज़ें मिलती हैं आपको उनसे उन्हें मैच करना है सो क्वेश्चन बी एंड सी इज योर होमवर्क Okay, so do page number 22, question B and C in your book and word winning in your notebook. Okay, student. So, so, if you like the video, please like and subscribe our channel. Thank you.